नमस्कार दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला सेशन। देखिए मैं बता दूं कि बीए फर्स्ट ईयर के जो भी इस पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए मैं ये स्पेशल सेशन तैयार किया मैंने लिए उनके लिए। तो बीए का सेशन जो है इतिहास का होगा, राजनीतिक विज्ञान का होगा, इसके बाद हिंदी का। मैंने जिसके वीडियो फर्स्ट में डिस्कशन कर दिया, वीडियो सेकंड होगा, उसमें 10 पार्ट मैंने ऑलरेडी लघु उत्तरी प्रश्न के अपलोड कर दिए थे, ये हमारा 11वां से होगा। इसके बाद मैं बता दूँ विस्तृत उत्तरी मेरा होगा लघु उत्तरी के बाद, लेकिन लघु उत्तरी अभी काफ़ी है सेशन इसमें लेना है, क्योंकि पूरा इतिहास इसमें कवर अप करना है। इसके बाद इसमें देख लीजिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों से रिलेटेड है, तो आप लोगों को सेशन में बता दूंगा अभी कौन कौन सा इतिहास है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें 11वां प्रश्न है, स्मारकों और भग्नावशेषों से प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में किस प्रकार सहायता मिलती है, तो किस प्रकार सहायता मिलती है। तो मैंने इससे पहले वीडियो समझा दिया था काफ़ी उसमें, और इसमें मैं समझाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है। जैसे स्मारकों और भग्नावशेषों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा आदि के भग्नावशेषों अपने अपने युग की कहानी बताते हैं। मंदिर, स्तूप, गुफाएं, मूर्तियां, स्तंभ, तोरण, चित्र आदि भी विगत दिनों की कहानी सुनाते हैं। इन स्मारकों एवं भग्नावशेषों से विभिन्न कालों की कलाओं, उनके विषयों और शैलियों का अध्ययन किया जा सकता है। ये अपने युग के लोगों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी देने की उपयोगिता सिद्ध हुए हैं। मूर्तियों एवं चित्रों के भिन्न भिन्न वेशभूषा एवं हाव भाव से उस युग की धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं की भी जानकारी मिलती है। खजुराहों के असंगत अश्लीलता से हम उस युग के सामाजिक पतन का अनुमान लगा सकते हैं। स्मारकों और भग्नावशेषों पर विदेशी प्रभाव के आधार पर हम विदेशों के साथ भारत के संबंधों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों से प्राप्त स्मारकों से भी इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में प्राप्त भारतीय स्मारकों से उस क्षेत्र के भारतीय धर्म एवं संस्कृति के प्रभाव का पता चलता है। सेम वही चीज़ है कि स्मारक भी जो हमारे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में जो खोज है इतिहासकार को काफ़ी मदद दिलाते हैं, अर्थात स्मारकों के देखकर ही हम इतिहासकार पता लगाते हैं कि किस प्रकार वो कितना पुराना था, वो किसके शासनकाल का था और किस प्रकार के स्थापत्य कला थी, वहाँ की संस्कृति क्या थी, वहाँ के लोग मंदिर बनाते थे तो किस प्रकार से बनाते थे, वहाँ की कला किस प्रकार विकसित हुई थी, कला किस प्रकार से वहाँ पे बना रहे थे। जैसे ताजमहल देखा जाए तो काफ़ी विकसित कला हो गई थी उस समय, शाहजहाँ के समय में। और इसके बाद देखा जाए तो उसके पहले की युग का कहानी बतलाते हैं, अपने युग की कहानी बताते हैं कि हमारी इस प्रकार की संस्कृति थी, हम भगवान को इस भगवान को पूजा करते थे, इस भगवान की मूर्ति स्थापित किए थे। कला और मंदिर के बारे में आदि बताई गई है। स्तूप, गुफाएं, मूर्तियां, स्तंभ उसमें अपने चित्र को प्रेजेंट करते थे जो कि उनकी कला और संस्कृति को दर्शित करता था। जैसे अगर देखा जाए तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा आदि के भग्नावशेष, मतलब जो भी भवन बने थे उस प्रकार का निर्माण, जैसे चारों दीवारें चतुर्भुज के आकार का बना था। कई मोहनजोदड़ो में जैसे बना रहता था कि सड़क की तरफ दरवाज़ा न मुख होकर पिछवाड़े की तरफ होता था, ना पीछे की तरफ होता था, तो उस प्रकार से वहाँ पे बताया गया है। और इतना बड़ा स्नानागार वहाँ पे था मोहनजोदड़ो में, इस प्रकार से वहाँ की व्याख्या की गई है कि वहाँ पर कला की विकसित अवस्था कितने ऊपर वहाँ तक जा सकी थी उस युग में बताया गया था। और इससे क्या है कि हम उस युग के बारे में पता लगा सकते हैं जिस युग में वो कला की स्थिति हुई थी, और उस महल को हम देख के बता सकते हैं कि हाँ शासक यहाँ पे हिंदू पूजा होती थी या मुसलमान का ज़्यादा प्रभावी रूप से कायम थे, या फिर हिंदुओं ने मंदिर बनाया तो किसका मंदिर बनाया था वहाँ पर। इस प्रकार से तमाम प्रकार आप लोग अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ के इसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे आशा की जाती है कि ये समझ में आ गया होगा। दूसरा करते हैं, 12वां हमारा है कि सिंधु सभ्यता काल में प्राकृतिक पूजा कर चर्चा कीजिए, पूजा पर चर्चा कीजिए, यानी सिंधु सभ्यता काल में प्राकृतिक पूजा पर क्या किया जाता था। आप ये भी काफ़ी सिंपल एक बार पढ़ के फिर एक्सप्लेन कर देते हैं हम कि सिंधु सभ्यता काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के बारे में अवशेषों के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि सिंधुवासी जल की पूजा करते थे, वृक्षों के पीपल तथा बट की पूजा करते थे। उस समय लोग तुलसी, बबूल एवं खजूर के आदि वृक्षों की पूजा करते थे। इस आधार पर वे प्राकृतिक शक्तियों की उपासना में विश्वास करते थे। सिंधुवासी प्रकृति देवी की भी पूजा करते थे। अब ध्यान दीजिए, देखिए वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल होता है, इसमें मैं समझा दे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वैदिक काल में क्या होता था कि प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें हमें दिखाई देती है उन्हीं की पूजा की जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बाह्य आडंबर आ गए थे और जादू टोने का प्रचलन काफ़ी चल गया था। जैसे हमें जो चीज़ें दिखती हैं प्रकृति रूप में, जैसे पानी दिखता है तो पानी की पूजा कर दी, सूर्य दिखता है तो सूर्य की उपासना कर दी, सूर्य की पूजा कर रहे हैं हम, वर्षा है तो वर्षा की पूजा कर रहे हैं हम, वर्षादेव इंद्रदेव को मान लिया। इसके बाद आदि अर्थात जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे उसकी पूजा होती थी सिंधु सभ्यता में, और मतलब वो भी प्रकृति रूप
प्रकृति को देवी रूप में मानकर उसकी भी पूजा करते थे। सिंधुवासी या फिर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए, आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में काफ़ी समझा भी दिया है कि आप लोग इतना समझ सकते हैं। इसमें साफ साफ आपको लिखना है कि दो सिंधु सभ्यतावासी जो लोग थे उनको जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता था उन्हीं की वो पूजा करते थे, और जो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई पड़ता था यानी बाह्य आडंबर वहाँ प्रचलन नहीं था, यानी बाह्य आडंबर जादू टोना टोटके का वहाँ प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता वाले वासी लोग पानी की पूजा करते थे, तो प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की उपासना करते थे, इसके बाद वर्षा की उपासना करते थे, प्रकृति को देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये लघुत्तरी है तो इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है 13वां कि सिंधु सभ्यता की खोज पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, इस बार फिर एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। जैसे अगर उत्तर लिखना हो इसका तो क्या कैसे लिखेंगे, सिंधु सभ्यता की खुदाई का कार्य 1920 ईस्वी में दयाराम साहनी। काफ़ी याद कीजिएगा, देखिए अगर हम लूसेंट जीके में देखें तो 1921 यह वर्ष दिया गया है, लेकिन अगर हम वास्तविक माने तो 1920 है। 1920 1921 आप जो भी लिखेंगे वो दोनों सही रहेगा, लेकिन आप 1920 ही लिखेंगे क्योंकि ये बीए परीक्षा में दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु सभ्यता की खुदाई जो हुई थी 1920 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा में शुरू किया था। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई में एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए। इसके बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने सिद्ध के लरकाना जिले में खुदाई की कार्य शुरू किए। यहां उन्हें खुदाई में मोहनजोदड़ो के भव्य नगर के अवशेष मिले। यह नगर हड़प्पा से लगभग 400 मील की दूरी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की मुर्दों को टीला या अस्यवों को ढेरी कहा जाता है। आज़ादी के बाद भारत में पंजाब एवं राजस्थान में भी खुदाई का कार्य करवाया गया, जहाँ पर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल भी है। जैसे सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ था, खुदाई हुई थी, वो दयाराम साहनी के द्वारा 1920 ईस्वी में की गई थी, और उसमें क्या हुआ था, कुछ अवशेष मिले थे वहाँ पर खुदाई करने के बाद। और कहाँ पे किया गया था, ये पश्चिमी पंजाब में किया गया था, मोंटगोमरी जिला है एक वहाँ पर रावी नदी के तट पर। याद रखिएगा एक चीज़ यहाँ पे, याद रखिएगा कि रावी नदी के तट पर पंजाब में मोंटगोमरी नामक एक जिला है जहाँ पर खुदाई की गई, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में कुछ अवशेष प्राप्त हुए, जिसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता वहाँ पर कहा गया, वो हड़प्पा कहा जाता था। बड़ा हड़प्पा जो है वहाँ पर नाम था, तो इसलिए वहाँ पर क्या नाम रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। इसके बाद अगर पूछा जाए तो इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी, जहाँ पे उन्होंने सिंध के लरकाना जिला में खुदाई का कार्य शुरू किया था, जहाँ पे उन्हें मोहनजोदड़ो का भव्य नगर अवशेष मिला, यानी मोहनजोदड़ो का भव्य नगर मिला था। और इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया गया कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, जो कि हड़प्पा से लगभग 400 मील की दूरी पर स्थित है। इसमें शवों को ढेरी भी कहा जाता है, यानी वहाँ पे शव काफ़ी बरामद हुए थे, इस प्रकार वहाँ पे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इस बात खुदवाई कराया गया जिसे सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। बस वही सिंपल रखना था कि 1920 में हुई थी, दयाराम साहनी ने किया था, इसके बाद पंजाब में लरकाना जिला मोंटगोमरी जिले में किया था, और रावी नदी के तट के किनारे किया था। इसके बाद इसे यहाँ पे अवशेष मिले, उसके आधार पर वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। इसके बाद 1922 ईस्वी में जो है राखलदास बनर्जी ने खोज किया था, जो कि वहाँ पर 1922 ईस्वी में खोज करने के बाद क्या किया कि वहाँ पर उनको मोहनजोदड़ो के भव्य नगर का अवशेष मिला, जिसको कहा जाता है मृतकों का टीला, और ये हड़प्पा सभ्यता से लगभग 400 मील की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार से क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता की खुदाई की, अवशेष के आधार पर इसकी खोज हुई। नेक्स्ट हमारा है 14वां कि सिंधु सभ्यता की आधारभूत विशेषताएँ क्या है। ये इम्पॉर्टेंट है, वैसे ये लोग आप सभी लोग अपने मन से ही लिख सकते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से हमें लिखना, वही हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता की आधारभूत विशेषता क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की आधारभूत विशेषताएं अग्रलिखित हैं। जैसे पहला, सिंधु सभ्यता नगरीय तथा व्यापार प्रधान थी। यहाँ सुनियोजित नगरों, भवनों, सड़कों, स्नानागारों, नालियों की व्यवस्था थी। उद्योग धंधे और व्यापार उन्नत अवस्था में थे। यहाँ सभ्यता शांतिमूलक थी, यहाँ के नागरिक शांतिप्रिय थे। यहाँ का आर्थिक जीवन विशेषीकरण और स्थानीयकरण पर आधारित था। यह सभ्यता द्वितीय कांस्य काल की सभ्यता थी। यहाँ पर धर्म द्वि देवता मूलक था। यहाँ लेख मात्रा और गणना की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। जैसे पूछा जाए तो सिंधु सभ्यता की आधारभूत विशेषताएँ पूछे जाए कि इसको इम्पोर्टेंस क्या थी, तो उसकी पूछा बता दे सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरी एवं व्यापारी प्रधान थी, मतलब वहाँ पर नगर स्थापित हुए थे, व्यापार का प्रधान केंद्र था। इसके बाद वहाँ पर काफ़ी अच्छे नगरों का निर्माण हुआ था, भवनों का निर्माण हुआ था, काफ़ी अच्छे सड़की थी, स्नानागार थे नहाने वाली, जैसे स्विमिंग पूल कहा जाए इंग्लिश में, और नालियाँ थी, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, और उद्योग धंधे और व्यापार का प्रचलन था, और यह सभ्यता शांति का मूलक थी, और यहाँ नागरिक शांतिप्रिय थे। यहाँ की आर्थिक जीवन विशेषीकरण और स्थानीयकरण की आधारित थी, और यह सभ्यता तृतीय कांस्य काल की सभ्यता थी। यहाँ का धर्म द्विदेवता वाला था। यह लेखा मात्रा की गणना के प्रतिष्ठा हो चुकी थी।
इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। 14 नंबर और 15 नंबर पर चलते हैं। हमारा 15 नंबर है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान कुंड का वर्णन कीजिए। वही किया गया है तो किस प्रकार से कितना बड़ा था, क्या उसकी विशेषता है, उसके बारे में वर्णन करना। जैसे इसमें दिया गया है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार 180 फुट लंबा तथा 108 फुट चौड़ा है और इसकी बाहरी दीवार 8 फुट मोटी है। इस विशाल स्नानागार में एक स्नान कुंड है जो उनतालीस मीटर लंबा और 23 चौड़ा तथा 8 गहरा है। इसमें नीचे उतरने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं। कुंड के पानी निकलने के लिए कुंड के दक्षिण पश्चिम की ओर मोरी बनाई गई है, जैसे हम गांव में भाषा में कहते हैं मोरी बनाई गई, जहाँ पर पानी का निकास होता है। इस बात का ध्यान रखिए, जहाँ पानी से निकास होता है उसे मोरी कहते हैं। कुंड के चारों ओर गैलरी, बरामदे और कोठरियाँ बनी हुई हैं। एक कमरे में कुआं, तालाब की तह में ईंटों की परत लगी हुई है और फर्श में 1 इंच मोटा रोल या ग्रीष्म पुष्पक का प्लास्टर लीक किया गया है। इसी स्नानागार के स्थान पर एक हमाम भी बना हुआ, जिसे शायद स्नान के लिए गर्म पानी का प्रबंध था। बस ध्यान रखिएगा, काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग अगर रटना चाहें तो याद कर सकते हैं। अगर आपको रटना नहीं है तो क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रटना है कि 180 फुट लंबा था और 108 फुट चौड़ा था और इसमें स्नानों के लिए मतलब व्यवस्था की गई थी। इसमें कई तरह की विकासशील जो है पद्धति अपनाई गई थी, जैसे एक मोरी का निर्माण किया गया जहाँ से पानी का निकास होता था। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था की जहाँ पर जैसे स्नानागार के साथ एक हमाम बना हुआ था जहाँ पर शायद पानी गर्म पानी का प्रबंध किया गया था। इस प्रकार से ये ख़त्म हो जाता है हमारा। 16वां हमारा है कि सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना का वर्णन कीजिए अथवा हड़प्पा सभ्यता के लोगों की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण की योजना, तो पूछा गया कि जैसे सिंधु सभ्यता के जो नगर निर्माण की योजना बनाई गई थी अथवा हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों के स्थापत्य कला के बारे में वर्णन पूछा गया है। उसमें एक बार मैं पढ़ देता हूँ। जैसे सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना बहुत ही उच्च कोटि की थी। यहाँ की सड़कें पर्याप्त चौड़ी थी और सीधी होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती ही थी। मोहनजोदड़ो का राजमार्ग 33 फुट चौड़ा था और वर्षा और मकानों के पानी का निकास के लिए सड़कों में पक्की नालियाँ बनी हुई थी जिनकी नियमित रूप से सफाई की जाती थी। सड़कों किनारे कूड़ा करकट जमा करने के लिए भी बड़े बड़े बर्तन रखे जाते थे और नगरों में रोशनी की व्यवस्था थी। नगर के कूड़े करकट को नगर से बाहर फेंके जाने की व्यवस्था थी। नगरों की स्वच्छता की इतनी उत्तम व्यवस्था को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ नगर पालिका जैसी कोई संस्था अवश्य रही होगी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार यहाँ की नगर योजना का एक विशेषता है। तो यहाँ पे 2-3 तथ्यों का जो है इम्पोर्टेंट रखना यानी याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अदरवाइज आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ की जो नगर व्यवस्था थी, जहाँ पे स्थापत्य कला की जो योजना थी वो उच्च कोटि की थी, मतलब यहाँ पर काफ़ी विकास हो चुका था और यहाँ पर सड़कें जो हुआ करती थी काफ़ी चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। और ये बात यहाँ पे याद रखने की योग्य है कि यहाँ पे जो सड़कें हुआ करती थी वहाँ पे समकोण पर काटती थी। और नेक्स्ट है कि हमारा जो राजमार्ग होता था वो 33 फुट चौड़ा था मतलब काफ़ी चौड़ा था। और यहाँ पर पानी के निकास के लिए उत्तम व्यवस्था की गई थी कि मतलब वहाँ पे पक्की नालियाँ, घरों के बगल में पक्की नालियाँ हुआ करती थी, जिसके कारण जो जमा हुआ करता था वर्षा का पानी वहाँ नाली के माध्यम से चला जाता था। एंड इसके बाद अगर एक्सप्लेनेशन मतलब इसको आप बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, आप अपने भाषा में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नाली की व्यवस्था की गई थी जिसके माध्यम से जो वर्षा का पानी होता था उसके माध्यम से बाहर निकल जाया करता था। और वहाँ पर निर्माण किया गया था काफ़ी बड़े बड़े बर्तनों का, जैसे कूड़ा करकट वहाँ पर इकट्ठा करके वहाँ से बाहर कर दिया जाता था। और नगर व्यवस्था में जो है लाइट यानी प्रकाश की भी व्यवस्था की गई थी, अर्थात यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि वहाँ पर नगर पालिकाओं का वहाँ पर हो सकता है कि नगर पालिकाओं का होना वहाँ पर अनुमान लगाया गया कि वहाँ पर नगर पालिकाओं का प्रचलन था, वहाँ पर नगर पालिकाएँ थी जिसकी वजह से वहाँ पर इतना साफ़ सफाई और इतनी उच्च कोटि की व्यवस्था की गई थी। यही सब सेम चीज़ है। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि 17वां नंबर है हमारा कि 17वां नंबर हमारा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ अथवा सिंधु सभ्यता के नगरों का विनाश के कारण लिखिए। तो ये भी अपने मन से लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि संसार में किसी सभ्यता के जन्म के साथ उसके पतन का क्रम शुरू हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसका अपवाद नहीं थी। अनुमान यह है कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ है 1500 ईसा पूर्व में हो गया था। इसके लिए अनेक कारण जिम्मेदार माने जाते हैं, जैसे बाढ़ या जल प्लावन। और मैं बता दूं कि सबसे जो ज़्यादा मान योग्य है वो जल बाढ़ तथा जल प्लावन ही
सबसे उचित व्यवस्था मानी जाती है कि वहाँ बाढ़ आया और वहाँ पे जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई। जैसे बरसात के दौरान नदियों के रास्ते बदलने के कारण मोहनजोदड़ो तथा अन्य स्थानों का कापतन हुआ। थाइस का समर्थन भू गर्भशास्त्रीय अध्ययनों से होता है। दूसरा कारण बताया जाता है कि संक्रामक रोग तथा भूकंप। अनुमान लगाया जाता है कि किसी महामारी के फैलने या भयंकर भूकंप के कारण सभ्यता के प्रतीक ये शहर वीरान हो गए। बाह्य आक्रमण, विश्वास किया जाता है कि आर्यों के आक्रमण का मुकाबला सिंधुवासी नहीं कर सके। आर्यों के पास लोहे के बने हथियार और दूतगामी घोड़े थे। शांति प्रिय नगरी संस्कृति के ये लोग आर्यों के सामने पराजित हुए तथा इनके पूर्वों पर आर्यों का अधिकार हो गया। साहित्यिक तथा खुदाई से प्राप्त अनेक कालों के अध्ययन से आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है। नेक्स्ट हमारा है कि आर्थिक विघटन तथा राजनीतिक शिथिलता, अर्थात साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि सिंधु वासियों का बाहरी देशों से व्यापार सभ्यता के अंतिम चरणों में कम हो गया था। नगरों में बने विविध मकानों का योजना के प्रतिकूल बनना इस बात का संकेत है, इस बात को फिर से ध्यान रखिए इस टॉपिक को, कि आर्थिक विघटन तथा राजनीतिक शिथिलता अर्थात साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि सिंधुवासियों का बाहरी देशों से व्यापार सभ्यता के अंतिम चरणों में कम हो गया था। नगरों से बने विविध मकानों का योजना के प्रतिकूल बनना इस बात का संकेत है कि नगरों में कानून तथा व्यवस्था बिगड़ गई थी। इस तरह सिंधु संस्कृति आर्थिक तथा राजनीतिक शिथिलता के कारण भी पतन प्राप्त हो गई। ऐसा माना जाता है कि अमलानंद घोष के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कारण अनावृष्टि था। देखिए आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखना है, और सबसे आप अगर लास्ट में लिखना चाहे तो आप कंक्लूजन में यानी निष्कर्ष में आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें सर्वमान्य जो कारण बताया जाता है वो जल व बाढ़ ही सबसे सर्वमान्य बताया गया है, लेकिन इनको भी काटा नहीं जा सकता क्योंकि ये भी साक्ष्यों के आधार पर ही बने गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मन में आया तो ऐसे टॉपिक वाइज लिख दिया गया, ये साक्ष्य पहले प्राप्त हुए कि हाँ इस कारण से इनका पतन हो सकता था, तो वहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले उसके आधार पर ये इतिहास लिखा गया। इसलिए मैंने बार बार दोहराता हूँ कि साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास पूरा आधारित है। तो सिंधु सभ्यता जो है बहुत पुरानी सभ्यता है, इसका पतन जो है 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर कहा जाए तो जिस सभ्यता उत्पन्न होती है तो उसका अंत किसी न किसी दिन होता ही रहता है। तो पहला लिख दीजिए बाढ़ व जलप्लावन, संसार मतलब सिंधु सभ्यता का सबसे मानित रूप जो है माना जाता है, जो विनाश का उसके कारण बना वो बाढ़ तथा जलप्लावन था, जो कि बताया जाता है कि नदियों का रुख मुड़ जाने के कारण जो सिंधु सभ्यता पूरी विनष्ट हो गई। और दूसरा संक्रामक रोग तथा भूकंप, यानी भूकंप के कारण जो है पूरा पृथ्वी जो है पलट गई, उसके बाद वो भूकंप के कारण उसमें सब समाहित हो गए, या फिर संक्रामक कोई ऐसी भयानक बीमारी हुई जिसके कारण सभी सिंधुवासी जो है मर गए, या फिर बाह्य आक्रमण कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमणों का मुकाबला सिंधुवासी नहीं कर पाया जिसकी वजह से वहाँ पर जो है विनष्ट हो गए। और चौथा आर्थिक विघटन तथा राजनीतिक शिथिलता, कहा जाता है कि जब सिंधु सभ्यता का अंत हो रहा था तब वहाँ से बाह्य व्यापार था वहाँ पे कमी आ गई थी, और जो नगरों का निर्माण था वो जो सिंधु सभ्यता के स्टार्टिंग जैसे नगर निर्माण होता था वो बाद में नहीं हुआ। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि शायद शिथिलता आ गई थी राजनीतिक व्यवस्था में, इस प्रकार से भी सिंधु सभ्यता का जो है वो विनष्ट का कारण बन गई। 18वां हम अपना देखते हैं, 18वां प्रश्न हमारा है कि सैंधव लोगों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए, यानी सैंधव लोगों के जीवन का रहन सहन क्या था उसके प्रकाश डालिए। तो इसका एक बार देख लेते हैं फिर एक्सप्लेन हम करेंगे। तो इसका जो कारण है हमारा, इसका कारण है कि खुदाई उत्खनन में प्राप्त मूर्तियों, मोहरों तथा ताबीजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि सिंधुवासी बहुदेववादी थे। वे प्राकृतिक शक्तियों के विभिन्न रूपों की उपासना करते थे। वे एक परम सत्ता अर्थात ईश्वर में विश्वास करते थे और उसी परम सत्ता को सृष्टि का निर्माता मानते थे। अपने इसी विश्वास के कारण उन लोगों में परम पुरुष और परम नारी की पूजा लोकप्रिय हो गई थी। उनके परम पुरुष का प्रतीक आधुनिक हिंदू धर्म के भगवान शिव से काफ़ी मिलता जुलता है। सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिट्टी की बनी हुई अनेक नारी मूर्तियां मिली है जो मातृदेवी या प्राकृति देवी की मूर्तियाँ हैं। बहुत सी मूर्तियों के दोनों ओर दो प्याले अथवा दीपक है और इन मूर्तियों के अग्रभाग पर धूम्र के निशान हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासी इन प्यालों में तेल अथवा धूप जलाते थे। सिंधुवासी प्रजनन शक्ति की लिंग एवं योनि के प्रतीकों के रूप में भी पूजा करते थे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उत्खनन में लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। खुदाई में प्राप्त बहुत सी मुद्राओं पर वृक्षों के अनेक चित्र मिले हैं जिनके आधार पर विद्वानों का मत है कि सिंधुवासी वृक्षों की पूजा करते थे। ऐसा प्रतीक होता है कि सिंधुवासी में तुलसी, पीपल, नीम, खजूर, बबूल आदि वृक्षों की पूजा अधिक प्रचलित हो रही थी और
सिंधुवासी पशु पूजा में भी विश्वास करते थे। संगीत और एवं नृत्य द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने की परिपाटी भी रही होगी। मूर्तियों की योगासन मुद्राओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में योग साधन भी महत्व था, जैसे पूछा गया है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि सिंधुवासी जो थे वो बहुदेववादी थे, मतलब एक देव को नहीं बहुत कई देवों के रूप में पूजते थे। और वहाँ पर नारी पूजा भी का भी प्रचलन काफ़ी किया गया था। और प्रकृति को देव मानकर जैसे सूर्य को उपासना करना जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता था उसी को देव मान लिया जाता था, जैसे वर्षा को देव मानकर उसकी पूजा करते थे और इसके बाद जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता था। और सिंधु सभ्यता में ऐसी अनेक नारी की मूर्तियाँ मिली हैं जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर मातृ देवी की पूजा का प्रचलन भी किया गया था। और सिंधुवासी प्रजनन शक्ति का पूजा करते थे और कई जैसे अनेक वृक्षों का भी पूजा करते थे, जैसे पीपल बबूल को भगवान के रूप में एक ईश्वर के रूप में मानकर भी वहाँ पर पूजा करते थे। और वहाँ पर नर्तकी की मूर्तियाँ जो है नाचते हुए दिखाई गई। इस प्रकार से वहाँ पर बताया जा सकता है कि सिंधुवासी जो थे वो वहाँ पर नृत्य का प्रचलन था। और इसके बाद बताया गया है कि योगासन मतलब मूर्तियों में कई ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो योगासन मतलब योग के स्वरूप में बैठी हुई पाई गई थी। इस प्रकार से वहाँ पर लगाया जाता है कि वहाँ पर योग का प्रचलन भी था। इस प्रकार से हमारा पूरा ये डिस्कशन हो जाता है। 19वां अपना देखते हैं, 19वां हमारा है कि सिंधु आर्थिक अवस्था का वर्णन कीजिए। तो सिंधु की जो आर्थिक अवस्था थी यानी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो थी यानी इकोनॉमिकल पोजीशन जो थी उसकी व्यवस्था करनी हमें वर्णन करना है। एक बार पढ़ देते हैं हम। सिंधु घाटी के विभिन्न स्थानों की खुदाई से तात्कालीन लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु आर्थिक व्यवस्था के बारे में प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि तात्कालीन जनता को हल से खेत जोतने का ज्ञान था तथा लोगों को गेहूँ जौ मटर तिलहन केला खजूर नारियल अनार आदि से परिचय था। पशु इनकी अर्थव्यवस्था का एक आधार था। ये गाय बैल भैंस बकरी सुअर आदि ऊंट जानवरों को पालते थे। समाज में श्रम विभाजन था। वस्त्र बुनने मिट्टी के बर्तन बनाने धातुविक कर्म करने से संबंधित था। अलग से कोई वर्ग होंगे जिन्हें हम जुलाहे कुम्हार तथा सुनार के रूप में पहचान सकते हैं। सिंधुवासी सोना चांदी तांबा टीन सीसा कांसा आदि धातु से परिचित थे। इनको गलाकर आवश्यकता के अनुरूप आकार देने के क्षेत्र में इस युग के लोग निपुण थे। विविध बाटों तथा पैमानों के आधार पर इसकी कल्पना की जा सकती है कि स्थानीय व्यापार काफ़ी संपन्न था। अनुमान है कि व्यापार का माध्यम विनिमय प्रणाली रही हो। इस प्रमाणी के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधुवासियों के भारत से बाहर के लोगों के व्यापारिक संबंध में थे। लोथल की खुदाई से प्राप्त गोदीवाड़ा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिंधु आर्थिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, अर्थात सिंधु जो थे जो आर्थिक व्यवस्था को काफ़ी निपुण थे बनाए रखे थे। ये लोग खेती के स्वरूप में अगर कृषि के रूप में आ जाए तो अब वर्तमान समय में भी भारत हमारा जो है एक कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ पर भी गेहूँ जौ मटर तिलहन केला खजूर नारियल आदि जैसे सब्जियों फलों से सिंधुवासी जो थे वो परिचित थे। और इनका जो पशुपालन था अर्थात जो ये गाय बैल भैंस बैल बकरी सुअर आदि को जानवरों को पालते भी थे। और इनका समाज में श्रम विभाजन था। इस बात का ध्यान रखिएगा श्रम विभाजन था, वो जो है श्रम के आधार पर विभाजन था यानी कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाति विभाजन हो गया कि जाति जो है जैसे ब्राह्मण है तो सिर्फ पूजा करेंगे, क्षत्रिय है तो सिर्फ लड़ाई करेंगे, ये शूद्र हैं तो सिर्फ छोटे मोटे कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर विभाजन नहीं होते। उत्तर वैदिक काल में यानी पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में होता है। यहाँ पर यह संशय मत पालिएगा, लेकिन बस आपको यहीं देखना है कि जो है श्रम विभाजन था यानी श्रम के आधार पर विभाजन था कि ये तुम ये करोगे। कुम्हार का काम जैसे उसमें मिक्सचर नहीं था कि कोई भी ये जैसे डिवाइड कर दिया गया था कि आधे लोग ये करें जिनका मन हो ये करे आधा मन वो करे, तो इस प्रकार से डिवाइडेड था। और वहाँ पे बता दें कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंधुवासी जो थे वो सोना चांदी ताबा टीन कांसा आदि धातुओं से परिचित थे। सोना चांदी ताबा टीन सीसा कांसा आदि धातुओं से परिचित थे। इस प्रकार से ये है सिंधुवासी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी इस प्रकार से कही जा सकती है कि सिंधुवासी की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, जो प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है कि सिंधु सभ्यता में व्यापार वाणिज्य की स्थिति का उल्लेख कीजिए। सिंधु सभ्यता में व्यापार वाणिज्य की स्थिति का उल्लेख कीजिए यानी सिंधु सभ्यता में जो व्यापार था और वाणिज्य था उसकी स्थिति का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में सिंधु घाटी क्षेत्र में तांबा चांदी सोना आदि वस्तुएं प्राप्त नहीं होती।
इन वस्तुओं को अफगानिस्तान, ईरान आदि देशों से प्राप्त किया जाता था। तांबा राजस्थान से, कीमती पत्थर बतखासों के सीपी से, शंख कौड़ी आदि कठियावाड़ के समुद्र तट से, मोंगा मोती आदि रत्न भी संभवतः इसी क्षेत्र से, देवदार के सतहीर हिमालय के आसपास के क्षेत्रों से आते थे। इससे स्पष्ट होता है कि इस युग में सिंधु वासियों का व्यापार वाणिज्य उन्नत था और व्यापारियों के एक वर्ग विशेष का विकास हो चुका था। आवागमन के साधन भी उन्नत थे। मुद्राओं पर अंकित जहाज के चित्रों से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासी नौकाओं और जहाज़ों का उपयोग करते थे। स्थल मार्ग पर बैलगाड़ियों, बैलों, गधों आदि से का माल ढोने के लिए प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता का अंतर्देशीय व्यापार को काफ़ी उन्नत था, परंतु उनका विदेशी व्यापार भी कम उन्नत न था। सिंधुवासियों का पश्चिमी एशिया के बहुत से क्षेत्रों, सुमेरिया, ईरान के व्यापारी संबंध रहने से अनेक प्रमाण मिले हैं। जैसे सुमेरिया में हड़प्पा की मुद्राएं, मोहनजोदड़ो में सुमेरियन मुद्रा, ईरान में सिंधु के उपजे और कृतीय विद्वानों के मत ईरान के साथ जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार किया जाता था। देखिए, इसमें बताया गया कि सिंधु सभ्यता के व्यापार वाणिज्य की स्थिति का उल्लेख हमें इस प्रश्न में करना है। यह इस प्रकार से ये प्रश्न कई प्रकारों से पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग उसमें पहचान ही सकते हैं तो जैसे सिंधु सभ्यता पूछा जाए तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा, चांदी, सोना आदि जो वस्तुएं थी वो बाहर से निर्यात करते थे। इन वस्तुओं का निर्यात जो होता था, निर्यात मतलब दूसरे वस्तु से अपने देश में लेके आना, और आयात मतलब अपने देश से आयात मतलब होता जैसे अपने देश से कोई वस्तु दूसरे देश में भेजना, तो इस प्रकार से भेजा जाता था। और जैसे कई रत्न जो है कई स्थानों से कई चीज़ें मंगाई जाती थी और यहाँ से कई चीज़ें भेजी जाती थी, जहाँ पे अधिकता थी तो वहाँ पे भेज दी जाती थी। और बताया जाता है कि इसका व्यापार क्षेत्र काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुसज्जित था, और यहाँ पर जो है बैल, भैंसा गाड़ी और जो है गधों के रूप में क्या होता था कि सामान को ढोने का कार्य किया जाता था। अर्थात यहाँ पर काफ़ी प्रचलन जो था ढोने का सामान वो भी काफ़ी अच्छा विकसित था, और व्यापारियों के एक अलग से संगठन बन गया था, संगठन के रूप में तैयार हो गया था। इस प्रकार से कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार और वाणिज्यिक रूप था वो काफ़ी विकसित कर चुका था, उस समय काफ़ी विकसित रूप में अपने विद्यमान था। और वहाँ पर हड़प्पा सब कृतियाँ काफ़ी थी, उपजे कृतियाँ काफ़ी थी, विद्वों का वीरान है कि यहाँ पर जो है कि कहा जाता है कि ईरान से जो है काफ़ी व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे, और यह साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है, जैसे कि मोहनजोदड़ो के जो सिक्के थे वो ईरान में भी पाए गए, अफगानिस्तान में भी पाए गए, और अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्के पाए गए, या फिर कहा जाए कि ईरान में भी सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्के पाए गए, कृतियाँ पाई गई, वहाँ के लोग पाए गए। जैसे कुछ भी चीज़ें होती थी तो यहाँ पर जब निर्यात किया जाता था, जब वहाँ से बेचा जाता था तो वो लोग वहाँ पर रख लेते थे, तो उस प्रकार से वहाँ पर साक्ष्यों के आधार पर डिवाइडेंड किया गया है। तो दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन का हमारा ये दूसरा सेशन था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई सजेशन देना हो, सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं, तो हम कोशिश जरूर करेंगे कुछ से रिलेटेड हम आपको जानकारी दें। तो इतिहास का सेशन काफ़ी लंबा तो नहीं चलेगा, मैं बता दूं कि ये 60 है, लघु उत्तरी है, इसके बाद विस्तृत उत्तरी हम डिस्कशन करेंगे। विस्तृत उत्तरी करने के बाद हमारा राजनीतिक विज्ञान होगा, इसके बाद हमारा हिंदी सेशन चलेगा। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी संशय हो या फिर कोई भी डिस्कशन करना हो तो आप लोग कम्युनिटी पर, हमने व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर रखा, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो हम जब भी टाइम होगा टाइम निकाल कर हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम आपको रिप्लाई भी करेंगे, और उस पर हम जो भी नया चीज़ कार्य होगा हम उस पर करेंगे। धन्यवाद।